तो आज हम लोग दोबारा से खेलने वाले हैं GTA 5 और आज की वीडियो में हम एक बहुत खतरनाक चैलेंज करने वाले हैं। वो चैलेंज है एक ट्रेन को रोकने का। जो एवेंजर आने वाली उस ट्रेन को सबसे पहले रोक पाएगा उसको मिलेंगे 70 लाख रुपए। 70 लाख? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। हाँ गाइस, उस एवेंजर को मिलेंगे 70 लाख रुपए और जो एवेंजर उस ट्रेन को नहीं रोक पाया तो उसको हम डायरेक्टली अपने गेम से बाहर कर देंगे। तो आप लोग इस वीडियो को एकदम एंड तक देखना। ये वीडियो ना बहुत ज्यादा तगड़ी होने वाली है क्योंकि यार मुझे अभी तक खुद को नहीं पता कि कौन सा वाला सुपर हीरो वो 70 लाख रुपए जीत कर ले जाने वाला है। तो एवेंजर्स आर्मी, आर यू रेडी? तो सबसे पहले उस ट्रेन को रोकने के लिए कौन सा वाला सुपर हीरो जाएगा? मैं जाऊंगा। अच्छा, सुपरमैन जाएगा। तो गाइस देखो, यहाँ पर सबसे पहले ट्रेन को रोकने के लिए जाने वाला है सुपरमैन। अब देखते हैं क्या ये सुपरमैन इस ट्रेन को रोक पाता है या फिर नहीं। वैसे सुपरमैन ने तो यहाँ पर काफी ज्यादा कोशिश कर रखी है ट्रेन के ऊपर गुदगुद बजा रखे हैं, लेकिन अभी तक ट्रेन का कुछ नहीं बिगड़ा। ओ भाई साहब, ये क्या हो गया एकदम से? सुपरमैन तो अपने साथ इस ट्रेन को उठाकर ही ले गया और आसमान से सीधे नीचे फेंक दी। भाई साहब कितनी ज्यादा पावर्स हैं इसके पास। देखा मेरी सुपर पावर्स, मैं इस ट्रेन को तो क्या, मैं किसी भी ट्रेन को उठाकर सीधा आसमान में फेंक सकता हूँ। मेरे पास बहुत ज्यादा सुपर पावर्स हैं और ये 70 लाख रुपए तो मैं ही जीतूंगा। सुपरमैन के बच्चे, मैं ये कभी नहीं होने दूंगा और ये 70 लाख रुपए तो मैं ही जीतूंगा। अगर ये 70 लाख मैं नहीं जीता तो कोई नहीं जीत सकता। चुप हो जाओ तुम दोनों के दोनों, आपस में बहस करने से कोई फायदा नहीं है। अबे स्पाइडरमैन, अभी तो तेरी भी बारी आएगी, क्या पता तू जीत जाए। नहीं, ये 70 लाख तो मैं ही जीतूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। इस सुपरमैन के बच्चे ने उस ट्रेन की धच्चिया धच्ची उड़ा दी। अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, अब मैं इसकी धच्ची उड़ाऊंगा। ये ले सुपरमैन। स्पाइडरमैन देख, मैं नहीं चाहता कि मैं तेरे साथ फाइट करूं और तू मेरे साथ पंगे ले रहा है, तो फिर ये ले, अब देख तू मेरी सुपर पावर्स, निकल यहाँ से, दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। आया कहीं का 70 लाख जीतने वाला, और ये ले, अब दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। अबे यार ऐसे तो तुम दोनों में झगड़ा होता रहेगा, तो मैं एक काम करता हूँ, इस बार ना स्पाइडरमैन को भेजता हूँ इस ट्रेन को रोकने के लिए और देखूंगा कि स्पाइडरमैन इस ट्रेन को रोक पाता है या फिर नहीं। और अगर स्पाइडरमैन इस ट्रेन को नहीं रोक पाया तो मैं इसको इस गेम से बाहर कर दूंगा, ठीक है? तो स्पाइडरमैन तो इस ट्रेन को रोकने की कोशिश कर रहा है बट ये ट्रेन अभी तक तो रुकी नहीं है और इतनी देर में तो सुपरमैन ने इस ट्रेन को रोक भी दिया था। भाई पता नहीं ये स्पाइडरमैन क्या कर रहा है और दूसरों के साथ में झगड़े बहुत करता है। तो अब देखते हैं, क्या पता है रोक पाए, उड़कर तो जा रहा है इस ट्रेन को रोकने के लिए, लेकिन देखते हैं क्या कर पाता है ये। तो सामने से ट्रेन आ रही है और स्पाइडरमैन गया भाग कर उस ट्रेन को रोकने के लिए। स्पाइडरमैन अपनी सुपर पावर्स का भी यूज कर रहा है लेकिन इस ट्रेन को कुछ भी नहीं हो रहा है। इसके बस की बात नहीं है, स्पाइडरमैन के बस की बात ट्रेन को रोकना नहीं है। तो अब हम स्पाइडरमैन को इस गेम से बाहर करते हैं। तो इसको बाहर करने के लिए जा रहा है थॉर, तो थॉर मार मार कर स्पाइडरमैन को बाहर करता है गेम से। अबे ये क्या हो रहा है, ये स्पाइडरमैन थॉर उल्टा थॉर को मार रहा है। अबे स्पाइडरमैन के बच्चे, अगर तुझसे वो ट्रेन नहीं रुकी तो इसमें हमारी क्या गलती? अब तू फटाफट से गेम छोड़कर निकल ले वरना मैं तुझे खुद धक्का मार के बाहर निकाल दूंगा। जल्दी से निकल। जाता हूँ लेकिन देख लूंगा तुम सबको। तो अब अगला नंबर आता है हल्क का और मुझे आपको इसके बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि हल्क जो है ना सबकी बैंड बजा देता है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं क्या ये हल्क इस ट्रेन को रोक पाएगा। तो हल्क इस ट्रेन को रोकने के लिए जा तो रहा है। ओ भाई साहब ये क्या हुआ, हल्क की ट्रेन से टक्कर हो गई बट ये ट्रेन अभी भी नहीं रुकी। तो कोई बात नहीं, देखते हैं अभी हल्क यहाँ पर क्या करने वाला है। इसने तो ये ट्रेन के सारे डब्बे उठा उठा कर फेंक दिए। और मुझे अपने बारे में इंट्रोडक्शन देने की जरूरत तो नहीं है, आप लोग तो मुझे पहले से जानते होंगे। अब मैं स्वयं को उठा कर फेंकने वाला हूँ। वेनम, ये ले। अबे हल्क, तूने तो इस बेचारे वेनम को मार डाला, अब मुझे नहीं लगता कि ये वेनम उठ पाएगा। अगर देख भाई हल्क ये सब कुछ चलता रहा ना तो तू ये चैलेंज हार जाएगा और ये 70 लाख रुपए नहीं जीत पाएगा। देख तूने उस बेचारे वेनम को तो मार डाला, अब इस हल्क बस्टर के पीछे पड़ रहा है लेकिन ये नहीं मरेगा तुझसे इतनी आसानी से। अबे नहीं देख हल्क, नहीं 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 नहीं, देख कहाँ पर जाके पड़ा वो हल्क बस्टर। अबे यार हल्क मत कर यार, ये सब कुछ मत कर। ओ भाई साहब, अब हल्क को मुझे लगता है भाई गुस्सा आ गया, ये तो भाई ट्रेन को कैसे तोड़ रहा है और अब थैनोस के पीछे पड़ गया भाई ये। अबे थैनोस को मत मारना यार, थैनोस को मत मारना, थैनोस को मत मारना भाई। इसने उठा लिया अपने हाथों में थैनोस को और फेंक के मार दिया इसने भाई थैनोस को, तो बेहोश कर दिया। अभी हल्क क्या करने वाला है यार मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, बट अब मैं इस हल्क को ना इस गेम से बाहर करने वाला हूँ। अरे नहीं नहीं सॉरी, अब मैं बिल्कुल भी आगे से ऐसा नहीं करूंगा, किसी प्लेयर को नहीं मारूंगा, तुम प्लीज मुझे गेम से बाहर मत निकालो। देख हल्क बेटा, अब तो तू सीधा इस गेम से बाहर जाएगा स्पाइडरमैन की तरह क्योंकि तूने 3 प्लेयर्स को मार डाला। अरे डायनामो स्पाइडर वो सब अभी जिंदा है और अगर तुम कहो तो मैं इस ट्रेन को दोबारा से तोड़ दूं, जो तुम कहोगे मैं वो करूंगा क्योंकि मुझे वो 7 लाख रुपए चाहिए थे इसलिए मैंने 3 प्लेयर्स को मारा।
डायनोमस पार्टनर, अब तुम बताओ मैं क्या करूँ, इस ट्रेन को कहाँ पर फेंकूँ, क्या करूँ इसके साथ में। अबे हल्क बेटा, तूने हमारे 3 प्लेयर्स को मार डाला, अब तू यहाँ से जा रहा है या फिर मैं तुझे धक्का देकर बाहर निकालूँ, चल निकल यहाँ से। तो अब बारी आती है थॉर की इस ट्रेन को रोकने की। मुझे नहीं पता कि यार ये थॉर इस ट्रेन को रोक पाएगा या फिर नहीं रोक पाएगा, बट हाँ जो सुपरमैन ने ट्रेन को रोका था ना, वो यार क्या ही रोका था। मतलब अभी तक का जो विनर है ना हमारा, वो सुपरमैन ही है। ओ भाई सभी क्या हुआ, मतलब ये ट्रेन थॉर से टच हुई और पूरी की पूरी टूट गई। वाह भाई क्या सुपर पावर्स हैं, कैसे उठा उठा कर फेंक रहा है ये ट्रेन को, ये कौन कौन सी सुपर पावर्स का यूज कर रहा है। मुझे लगता है भाई सेकंड विनर ये थॉर ही बनने वाला है, मतलब फर्स्ट विनर भी हो सकता है थॉर, बट अभी तक ये सेकंड नंबर पर ही है। और अगर इसने यहाँ पर ये ट्रेन ज्यादा तेजी से तोड़ दी तो फर्स्ट विनर यही हो सकता है। वैसे भाई यहाँ पर तो देखो आप लोग कैसे उठा उठा कर फेंक रहा है भाई ये ट्रेन को, देखो तो कहाँ पर गई वो ट्रेन। ओ भाई साहब मुझे लगता है भाई फर्स्ट विनर यही थॉर बनने वाला है। ओके इस ट्रेन को भी इसने उठाकर फेंक दिया। और गाइस अगर आप लोग यार यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हो तो फटाफट से आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दो, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में ना गाइस बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, तो एक लाइक कर दो। चैनल पर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। ओके और हमारे थॉर ने भी उस ट्रेन की बहुत बुरी तरह से बैंड बजा दी और हम इन दोनों में से विनर देखेंगे बाद में। ओके तो अब बारी आती है थैनोस की, और क्या ये थैनोस इस ट्रेन को रोक पाएगा, जल्दी से आप लोग यार कमेंट बॉक्स में जाके बताओ। तो अभी तो यहाँ पर ये थैनोस इस ट्रेन को रोकने की कोशिश कर रहा है, बट ये रुकी नहीं रही, इसके ऊपर चढ़ के रोकने की कोशिश कर रहा है। वैसे तो यार थैनोस बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन इससे अभी तक ये ट्रेन ही नहीं रुकी। मतलब जो सबसे पहले ट्रेन रोकी थी ना, वो रोकी थी भाई थॉर ने, और जिसने सबसे ज्यादा बैंड बजाई थी वो बजाई थी भाई सुपरमैन ने। तो अभी तक तो भाई इससे नहीं टूटी, इसने बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया थॉर ने, बट अभी ये क्या करने वाला है। ओके इसने यहाँ पर शायद कुछ फेंक के मारा। ओ भाई साहब इसने यहाँ पर अपनी ट्रेन को ब्लास्ट कर दिया, मतलब इस ट्रेन को ब्लास्ट कर दिया। ओके यहाँ पर देखो कैसे उड़कर चली गई ट्रेन, अभी क्या करेगा यहाँ पर, शायद कोई पत्थर फेंक के मार रहा है। हाँ गाइस देखो यहाँ पर इसने इतना बड़ा पत्थर फेंक के मारा जो जमीन के अंदर गड़ गया। इस थैनोस ने भी बहुत बुरी तरह से ट्रेन की धज्जियां उड़ा दी। तो गाइस अब बारी आती है इस छोटे वाले हल्क की, क्या ये हल्क उस इतनी बड़ी ट्रेन को रोक पाएगा। वैसे तो ये हल्क यहाँ से भागकर जा रहा है और सामने से ट्रेन आ रही है, मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या होगा या फिर इसकी टक्कर होगी, देखते हैं गाइस। ओ ओ ओ भाई साहब, ओ ये क्या हुआ, मतलब ये हल्क उस ट्रेन के नीचे आ गया और ये दब गया था। और वैसे इस हल्क ने इतने कम टाइम में धज्जियां उड़ा दी, इसने उठाकर फेंक दिया उस ट्रेन को, देखो जरा आप लोग यहाँ पर उसका एक डब्बा भी गायब हो गया। ओके भाई साहब ये हल्क जितना ज्यादा साइज में छोटा है ना उतना ज्यादा खतरनाक है, और पत्थर फेंक फेंक के मार रहा है, देखो तो कितने बड़े बड़े पत्थर उठा रहा है यहाँ से। ओ तेरी तो भाई साहब हवा हवा में लटका दी इसने पूरी ट्रेन को। भाई यहाँ पर देखो ये होता है असली पावरफुल हल्क, इसकी पावर तो देखो कितने बड़े बड़े पत्थर फेंक के मार रहा है। तो अभी तक का सबसे फर्स्ट विनर तो यही है, अब देखते हैं भाई नेक्स्ट विनर कौन बनता है। तो अब सबसे लास्ट में बारी आती है हल्क बस्टर की, और क्या आपको लगता है कि हल्क बस्टर सबसे पहले इस ट्रेन को रोक पाएगा, तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके बताओ। वैसे यहाँ पर देखो आप लोग इस हल्क बस्टर ने इस ट्रेन को तोड़ तो दिया, बट अभी इसके ऊपर यहाँ पर तो देखो लात घूंसे बजा रहा है। अगर भाई ये यहाँ पर इसी तरह से इसके ऊपर लात घूंसे बजाता रहेगा ना, तो उसका यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा और ये हार जाएगा। वैसे यहाँ पर देखो आप लोग इसने इस ट्रेन की ना धज्जियां तोड़ा दी है, लेकिन इस ट्रेन के जो बॉक्स थे ना पीछे वाले डब्बे थे वो अभी भी ट्रेन की लाइन पर ऐसे के ऐसे पड़े हुए हैं, इसने यहाँ से किसी को भी उठाकर नहीं फेंका। अब इनके ऊपर इसने पत्थर मारने स्टार्ट कर दिए हैं, अब मुझे नहीं लगता है कि ये हल्क बस्टर इस ट्रेन को रोकने के चैलेंज में जीत पाएगा। तो गाइस ये हल्क बस्टर भी हार चुका है, तो अब बारी आ चुकी है फाइनली फर्स्ट विनर अनाउंस करने की। तो गाइस हमारा फर्स्ट विनर है ये छोटा वाला ग्रीन हल्क, आप लोग यार इसके लिए एक बार तालियां बजा दो, इसने यार बहुत कम टाइम में उस ट्रेन की धज्जियां उड़ा दी। तो हमारे 7 लाख रुपए जाते हैं इस ग्रीन वाले हल्क को। तो कैसे लगी यार आपको ये वीडियो, तो फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके बताओ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो।